अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नौशी स्टूडियो। आज का ये जो मेरा प्रोजेक्ट है, एक छोटा सा क्यूट सा बॉक्स बनाया है मैंने, ये देखिए फ्लावर्स लगाकर और ये टिश्यू पेपर के साथ बना हुआ है। नीचे भी छोटे छोटे से फ्लावर्स बना के लगाए हैं और ऊपर भी, और इसकी डिटेल मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। टिश्यू के जो फ्लावर्स हैं उनकी मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, लेकिन इसका थोड़ा सा डिफरेंट, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं डिफरेंट काम करने वाली हूँ। इसका ऊपर वाला जो कैप है, अभी इसको डिजाइन करूंगी, पहले मैं इसके ऊपर फिलिंग करूंगी टिश्यू पेपर की के साथ। ये फ्लावर मैंने एक छोटा सा बनाया हुआ था, इसको मैं इस फ्लावर को इसके ऊपर मैं लगाती हूँ। अब मैं सेकंड फ्लावर आपको बनाना बताऊँगी। ये वाले जो फ्लावर्स हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको ये वाले फ्लावर बनाना बताए थे, लेकिन अब इसके ऊपर वाले पोर्शन पे, इसके ऊपर जो मैं फ्लावर बनाऊँगी वो मैं बनाऊँगी टिश्यू पेपर का, लेकिन वो उसका तरीका, उसका टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट होगी, तो चलिए मैं बताती हूँ। ये देखिए, एक मैंने, अभी मेरे पास टिश्यू रोल नहीं है, अगर टिश्यू रोल होता तो उसके साथ ज़्यादा इजी बनता एक फ्लावर, लेकिन फिर भी आपके साथ भी ऐसा हो सकता है टिश्यू रोल ना हो अवेलेबल। तो ये देखिए, इसको मैंने ऐसे ट्विस्ट किया, फिर दोबारा ट्विस्ट किया और इस तरह यहाँ पे इसकी को कर दिया, फिर ट्विस्ट किया कैंडी की तरह, जैसे ट्विस्ट करते हैं, जैसे कैंडी ट्विस्ट होती है ना, उस तरह डबल ट्विस्ट किया। तो ये देखिए, एक अब दोबारा, क्योंकि मुझे बड़ा वाला फ्लावर चाहिए, इसको इसी तरह ट्विस्ट किया, फिर डबल ट्विस्ट किया, फिर मैंने इसको डबल ट्विस्ट किया, फिर डबल ट्विस्ट किया और 1 2 एक मैंने दोबारा लिया, एक और लिया, फोर बना लेती हूँ मैं कम से कम भी, डबल ट्विस्ट किया और प्रेस किया, फिर डबल ट्विस्ट करके इसको प्रेस किया, फिर डबल ट्विस्ट करके इसको प्रेस किया, फिर डबल ट्विस्ट करके इसको मैंने प्रेस किया और ये मेरे पास 3 बन गए, 1 2 3 एंड लास्ट मैं 4 बनाती हूँ। तो अब क्या करना, क्या है कि ये देखें, ये फर्स्ट वाला इसको फोल्ड करते जाना है, ये देखिए इस तरह से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे, 1 ये 2 4 ये देखिए मेरा कितना बड़ा तो खूबसूरत सा फ्लावर बन गया। इसको बीच में मैं थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगा के इनको आपस में अटैच करती हूँ, इसको मैं सेट करती हूँ। ये इस तरह, ये इस तरह से, और यहाँ से भी बीच में थोड़ा थोड़ा सा लगा के इनको मैं सेट करती हूँ। ये देखिए,
इतना खूबसूरत सा एक फ्लावर बन गया, और इस फ्लावर को मैं यहाँ पे लगा दूंगी इस जगह पे। इसके ऊपर सेट किया मैंने। अब इसके ऊपर मैं स्टोन्स लगाऊंगी, जैसे मैंने स्टोन्स यहाँ पे सेट किए, इसी तरह ये जो बाकी वाला पोर्शन है इसके ऊपर मैं थोड़ा सा टिश्यू एक इरेगुलर शेप में मैंने बस टिश्यू को यहाँ पे रखा, ठीक है। और बताइएगा कि आपको ये वाला मेरा प्रोजेक्ट कैसा लगा। न्यू फ्लावर मैंने आपको ये भी वाला ये वाला बनाना बताया, ये आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा।